किराए पे तो गाड़ा पड़ता कर लेना। हाँ और क्या, किराए पे अगर ले लिया हाँ हाँ तो फिर तुम देखो 200 रुपये तो कम से कम उसे चाहिए, उसे चाहिए। 500 भी कमाए तो 300 में ही रह जाए। सही बात है। कितने की पड़ी थी ये गाड़ी? ये आई थी 1,38,000 की। कैश में लिया था? कैश में, बड़ोस से, बड़ोस में तिरंगा 12 का हाँ सही लिया था। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी अफसर अली। अफसर अली, कब से चला रहे हो आप? यह हो गई जी 3 साल से ऊपर मुझे तो। हाँ पहले क्या करते थे? पहले दुकान थी मेरी गाजियाबाद कबाड़े की। अच्छा, उससे बाद में फिर एक छोटा हाथी लिया। हाँ तो चला रहा था मैं वहीं गाजियाबाद, फिर उसके भाड़े कम हो गए, उसे मैं गाँव में लिया। अच्छा, तो यहाँ उसके भाड़े नहीं थे। अच्छा, तो फिर मैंने अपना उसे बेचा। मैं यार जब पालक 10-10 रुपये को तरस रहे तो ऐसे हाथी के ऐसे के तैसे लड़ाई ठीक है अपना पेट भर दो। हाँ और क्या, तेरे लोग कह रहे थे मुझे यार तुमने तो हाथी को छोड़ के गधा लिया है। मैं गधा भैया बढ़िया तो परिवार चलाते, ऐसे हाथी का क्या फायदा कि ना कुछ और पेट में कुछ लो। सही बात है। तो बाल बच्चे उधार को तो भैया रोज पैसा चाहिए। इसी गांव के हो आप? हाँ जी, इसी गांव को पिलाने गए। पिलाने के कैसा गांव है? गांव बेहतरीन है, शांतिपूर्वक। हाँ हर जाति के लोग रहते हैं? हर जाति के, कोई सब कहने को त्यागी होगा क्या मैं गाँव? हाँ जो ज्यादा हूँ गांव में गिनती तो नहीं के लगे। हाँ तो ज्यादा त्यागी है हमारे गाँव में। अच्छा, वैसे तो सभी हैं, पंडित भी हैं, कंडेरे भी, गडरिये भी। भेदभाव नहीं है यहाँ? ना भेदभाव, यो अब लॉकडाउन में हुआ था थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ, लॉकडाउन में तो अच्छा। वो आ गया ना मसला, निजामुद्दीन में कोरोना मस्त फैल गया। हाँ हाँ, तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम में आ गया था फर्क सा। अच्छा, अब तो बेहतरीन चल रहा पहले जैसे। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा इसलिए बना लूंगा, आप अच्छे लगे बना लेते हैं, यही जिंदगी है अंकल। बढ़िया, उसके बाद में कहाँ चला जाऊँगा, आप कहाँ रह जाओगे मुझे मालूम नहीं है। फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं, कोई पता नहीं भाई साहब। हाँ अब कल देखो एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया पिलाने भट्टे में। अच्छा, बेचारा पेपर देने जा रहा था अपनी बहन वहन को लेकर। अच्छा, उसका पेपर कटा था। हाँ, और भट्टे पे जहाँ से आप बैठे वहीं एक्सीडेंट हो गया उसका बाइक का। अच्छा, बाइक से। हाँ, अब उसे कोई बिठाने को तैयार नहीं था उसका, क्योंकि सब लोग बोल रहे 5-6 को लेके चलेंगे इससे। मैंने देखा यार बेचारे का खून भी निकल रहा है। हाँ, तो इंसानियत भी कोई चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है इंसानियत ही है अंकल। सर उन्होंने दोनों को बिठा के यहाँ लाया, डॉक्टर के लाया लेके पिलाने। वे कहने लगे भाई हड्डी टूट गई उंगली की, तो यही हुई तो वैसा हड्डी वाले डॉक्टर का काम हो गया। ये तो दवा गोली पट्टी वाले ही थे। उसे बेचारे को यहाँ लाया, ऐसा वहाँ ले जाकर छोड़ा। अच्छा, उससे 1 रुपया नहीं लिया। सही बात है। और क्या, कोई बात नहीं, और मैं कुछ ही नहीं तो हमने लोगों ने कहे भैया तुम पैसे दे, कोई बात नहीं आप ये हेल पैसे से सही पैसे ले लेंगे। पैसे तो आते जाते रहेंगे अंकल, पर इंसान के तन मन से इंसानियत को तो रखनी चाहिए। और क्या, तो बंदा जीवन भर आपको याद रखेगा। तो देखो मैं यहाँ ज्यादा ज्यादा 400-500 हाथ, जैसे ज्यादा सवारी अब निकल रही तो 600 देंगे। हाँ, ये तो गाजियाबाद रह के तो बकरे पैसे कमाए, और अब भी चला जाऊँ तो मुझे तो वैसे ही ड्राइवरी का लाइसेंस भी है। हाँ, डबल डबल हैवी भी, रियो भी इसका भी, तो 15-16 हज़ार तो मुझे वहाँ भी मिल जाएंगे तनख्वाह के। और क्या, सही बात, पर तो मजा यहाँ है जीने का, अपने शाम को अपने बच्चों में। हाँ, और घर के घर, घर के घर। बड़े आदमियों का कहना है कि भैया बाहर के ये कर घर के आते बराबर बैठे। सही बात है, कोई खाओ सबर से और पानी पियो और ठंडा अपना कर लो, जिंदगी का मजे लो। ये आपका गांव है प्यारा? ये जी गांव है हमारा, ये रास्ता उधर जा रहा दत्तनगर, सैदपुर, दौलतपुर, मतलब मोदी नगर तक निकलता है रास्ता। अच्छा, हाँ रात चौकले पे निकला है सीधा जाके, ये सीधा दिल्ली जाके मिल जाओगा। सही है, गांव गांव होता है कल, शहर कहाँ, शहरों में ऐसा सुकून मिलेगा? नहीं शहर में कोई सुकून नहीं, शहर में मैंने बहुत पैसे कमाए, एक एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये भी कमाए। कुछ कहना सुकून जो गांव में है वो शहर में नहीं है। सही बात है, गांव का खाने का मज़ा भी अलग, सोने का मज़ा भी अलग, हरियाली दोस्ती का भी मज़ा अलग अलग, क्योंकि जहाँ बैठ गए पूरे दिन के लिए बैठ जाओ, काम तो किसी का करना ही ना। शहर में तो लगा यार पीजी हूँ बस बाद में मिलता हूँ 2 मिनट में, पता लगा 2 दिन तक भी नहीं मिला। चलो आप बोले, चलो धन्यवाद।